जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, तो इसके खिलाफ अभी से आवाज उठाना जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम भी 17-18 फरवरी को जब एग्जामिनेशन हुआ था तो इसी तरीके से सारी चीजें हुई थी। अगर पहले से इन चीजों पर लगाम लगाया जाए तो हो सकता है कि ऐसी चीजें होंगी नहीं। तो आप सभी से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे रहा हूं और कनेक्टेड आप सभी रहना ताकि आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ऐसा कुछ भी ना होने पाए। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को बता दें, रिसेंटली एक टेलीग्राम पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वायरल हो रही है। इससे पहले भी एक टेलीग्राम चैनल बना था जिसकी जो इंफॉर्मेशन थी ट्वीट वगैरह करवाया था और मैंने ट्वीट भी कर दिया था, साथ ही में उसकी कंप्लेंट वगैरह भी रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके बाद से वो जो टेलीग्राम अकाउंट था वो तो बंद हो गया, लेकिन अब दोबारा से एक और नया टेलीग्राम यहां पर ओपन हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 23 और 24 अगस्त को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पेपर आ चुके हैं और ₹20,000 में आप इसका पेपर ले सकते हैं, ऐसा वहां पे दावा किया जा रहा है। साथ ही में आप सभी को बता दें, उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो एक पीडीएफ भी शेयर की गई है और उस पीडीएफ के लिए बोला गया है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आप चेक कर सकते हैं पेपर को। साथ ही में उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जीएस इजी आएगी, हिंदी हार्ड आएगी, वो सारी चीजें भी उसमें बहुत डिटेल में चीजें वहां पर बताई जा रही है। अब वो कितना झूठ है कितना सच है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ऐसी अफवाह फैल रही है तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है और गलती से भी 1% भी सही हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और यूपी पुलिस वगैरह के साथ भी टैग कर सकते हैं जिससे कि इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सके। और मैं भी अपनी तरफ से ट्वीट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे ट्वीट कर दूंगा। अगर मैं बात करूं टेलीग्राम ग्रुप की तो आप सभी को बता दें कि कुछ इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और मैं स्क्रीनशॉट जो है वो भी शेयर कर दूंगा। उसमें लिखा हुआ है यूपीपी कांस्टेबल पेपर लीक्ड करके कुछ टेलीग्राम बनाया गया है जिसमें पैसे वगैरह की भी डिमांड की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैं पहले प्रूफ दे देता, पीडीएफ डाल देता, लेकिन आप फ्री में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, आप ₹20,000 दो, उसके बाद सीधा आपको पेपर मिल जाएगा और वहां पे इस चीज की गारंटी ली जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने टीचर्स वगैरह जो भी है उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके खिलाफ पहले से आवाज उठाएं और जिससे कोई भी जो पहले चीजें हुई है वो दोबारा से ना हो पाए। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मैं आप सभी को जो ट्वीट किया है उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो जिससे कि यूपी पुलिस हरकत में आए और तुरंत से ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके ऐसे लोग रुकेंगे। क्योंकि देखो, चाहे मैं कह रहा हूं कि 1% मान लेते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, 100% मान लेते हैं कि बिल्कुल झूठ है, लेकिन अफवाह तो है ना। और आप साथ ही में ये समझ लो 1% भी अगर ये चीज सच हुई तो क्या होगा, तो इससे बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा जागरूक लोग हो जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसा कोई कहीं पे बोलता है तुरंत उसके खिलाफ शिकायत कराओ। साथ ही में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से नंबर भी जारी किए गए हैं, उन पे भी कॉल करके व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करें ताकि यूपी पुलिस तुरंत से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी, आगे की अपडेट भी रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू।